हे गाइस वेलकम दोस्तों, रेडमी नोट 11 5G जो चाइना में गया था वो इंडिया के अंदर रेडमी नोट 11 5G के नाम से 30 नवंबर को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया जाएगा, मतलब रीब्रांड होने वाला है। दूसरी तरफ दोस्तों, न्यू रेडमी नोट 11 सीरीज इंडिया में लॉन्च की जाएगी जिसमें तीन स्मार्टफोन होंगे, रेडमी नोट 11, 11 प्रो एंड 11 प्रो मैक्स। जो चाइना मंगाए थे 11 प्रो और 11 प्रो प्लस, उनको तो आप लोग छोड़ ही दो, वो तो इंडिया में रीब्रांड होने वाले हैं Xiaomi की ब्रांडिंग के साथ, मतलब Xiaomi 11i और 11i हाइपर चार्ज के नाम से लॉन्च किए जाएंगे। और आई थिंक ये स्मार्टफोन भी आपको इसी साल दिसंबर के एंड तक डेफिनेटली इंडियन मार्केट में मिल सकते हैं। बाकी हमारा टॉपिक ये नहीं है, हमारा टॉपिक है न्यू रेडमी नोट 11 सीरीज जो कि इंडिया में आने वाली है, जिसमें गाइस ऑफिशियली तीन स्मार्टफोन तो डेफिनेटली आपको मिलेंगे ही। जो रेडमी नोट 11 होगा वो गाइस अकॉर्डिंग टू लीक्स 4G कनेक्टिविटी के साथ आपको मिल सकता है और इसकी जो प्राइस है वो अंडर 15,000 रहने वाली है। बाकी के जो 11 प्रो और 11 प्रो मैक्स होंगे ये दोनों स्मार्टफोन 5G कनेक्टिविटी के साथ आएंगे और ये मिड रेंज सेगमेंट के अंदर ही लॉन्च किए जाएंगे, मतलब आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। और वैसे इनकी जो प्राइस है वो एक्सपेक्ट क्या होने वाली है वो मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ। तो स्पेशली दोस्तों आज मैं आपको Redmi Note 11 Pro Max स्मार्टफोन के बारे में बताऊंगा, इस फोन के अंदर आपको क्या क्या एक्सपेक्टेड फीचर्स मिल सकते हैं और ये क्या प्राइस पर और ये कब तक लॉन्च हो सकता है इंडियन मार्केट में, तो फुल एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, एंड तक बने रहिए। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस फोन की डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो गाइस इसमें आपको बैक साइड में ग्लास मिल सकता है जो कि ग्लॉसी फिनिश के साथ आने वाला है, क्योंकि दोस्तों इससे पहले जो नोट 10 सीरीज लॉन्च की गई थी उसमें आपको ग्लास मिला था, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हो जाते हैं कि आपको ग्लास ही मिलेगा। बाकी इसमें आपको बैक साइड में ट्रिपल कैमरास मिलेंगे, LED फ्लैश होगी और Redmi की ब्रांडिंग होगी। गाइस ये जो कैमरा लेआउट है वो आपको स्क्वायर शेप में देखने को मिलेगा और इसका जो डिजाइन है वो जस्ट सिमिलर रहने वाला है मी मिक्स 4 से, उसी टाइप का आपको यहाँ पर डिजाइन देखने को मिल सकता है। इस फोन का जो प्राइमरी लेंस है गाइस वो 108 मेगापिक्सल का होने वाला है, 108 मेगापिक्सल का आपको प्राइमरी लेंस देखने को मिलेगा। बाकी एक अल्ट्रा वाइड होगा आई थिंक 8 मेगापिक्सल का और आपको एक यूज लेंस 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस देखने को मिल जाएगा। दोस्तों ये प्लास्टिक के फ्रेम के साथ ही आने वाला है और ये सेंटर पंचुअल डिस्प्ले डिजाइन के साथ आएगा। डिस्प्ले की बात करूँ तो गाइस इसमें आपको 6.67 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमुलेट डिस्प्ले मिल जाएगा जो कि सेंटर पंचोल के साथ आएगा, जिसमें इनक्लोज्ड 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया जाएगा। दोस्तों ये डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के हाई रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करने वाला है, HDR 10 प्लस का सपोर्ट होगा, बैक और फ्रंट दोनों तरफ कॉइनिंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी जाएगी और इसमें आपको सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जाएगा। बस यहाँ पर Xiaomi कॉस्ट कटिंग करता है, सुपर एमुलेट डिस्प्ले तो प्रोवाइड कर दी बट इसमें आपको जो फिंगरप्रिंट है वो साइड में ही दिया गया है। बाकी इसमें जो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्रोवाइड कर सकते थे बट नहीं किया, रीजन वही है दोस्तों, कॉस्ट कटिंग करनी है, प्राइस को कम करना है तो आपको जो है वो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर से ही काम चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर को लेकर आप लोग थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। तो गाइस देखा जाए तो डिजाइन, कैमरास और डिस्प्ले आपको एकदम इंटरेस्टिंग मिलेंगे। डिजाइन जो है वो दोस्तों आपको एकदम यूनिक दिया जाएगा मिड रेंज सेगमेंट के अंदर। गाइस अब बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो गाइस इस फोन में आपको क्वालकॉम का चिपसेट ही ऑफर किया जाएगा। वैसे भी काफ़ी टाइम पहले एक लीक्स निकल के आई थी मुकुल शर्मा की तरफ से, जिसमें बताया गया था कि क्वालकॉम चिपसेट के साथ ये तीनों स्मार्टफोन्स जो है वो लॉन्च किए जाएंगे। तो ये आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो कि क्वालकॉम का चिपसेट ही इस फोन में ऑफर किया जाएगा, जो कि है दोस्तों क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G। ये दोस्तों अकॉर्डिंग टू लीक्स है, काफ़ी सारी लीक्स के अकॉर्डिंग ऐसा भी बताया जा रहा है इस फोन में आपको 750G दिया जाएगा, बट दोस्तों मुझे ऐसा नहीं लगता है इसमें 778G मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे स्मार्टफोन्स पर ये ऑफर किया गया है। तो कंपटीशन के अकॉर्डिंग आई थिंक मुझे लगता है इस फोन में 778G 5G चिपसेट ऑफर किया जा सकता है। बाकी इसके बारे में अभी कुछ भी निकल के नहीं आया है Xiaomi की तरफ से, ये मैं बता रहा हूँ ये लीक्स के अकॉर्डिंग है, ठीक है। दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 11 दिया जाएगा जो कि MIUI 12.5 पर ये बेस्ड होगा।
इसमें गाइस आपको LPDDR4X रैम UFS 2.2 स्टोरेज टाइप दिया जाएगा और इस फोन का जो बेस वेरिएंट है वो आई थिंक 6GB प्लस 128GB से स्टार्ट हो सकता है और आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट का सपोर्ट दिया जाएगा। दोस्तों बैटरी के बारे में बात करूं तो इस फोन में आपको अराउंड 5000mAh की बैटरी मिल सकती है, लगभग 5000mAh की बैटरी आपको मिल जाएगी, ठीक है। और ये स्मार्टफोन 67W के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करने वाला है। जी हाँ, इस फोन में आपको 67W का चार्जर ही दिया जाएगा इन द बॉक्स और स्मार्टफोन भी सपोर्ट करने वाला है। यहाँ पर आपको कोई भी 120W की चार्जिंग नहीं दी जाएगी, ये सिर्फ चाइनीज वेरिएंट में थी और वो इंडिया में Xiaomi की ब्रांडिंग के साथ आ रहा है तो उसकी प्राइस इंडिया में थोड़ी सी हाई रहने वाली है, तो उसको छोड़ो। फिलहाल के लिए इस फोन में आपको 67W की चार्जिंग ही ऑफर की जाएगी। टाइप सी पोर्ट होगा चार्जिंग के लिए, 3.5mm का जैक भी होने वाला है, फेस अनलॉक, IR ब्लास्टर दिया जाएगा और आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी मिल जाएंगे। दोस्तों फाइनली अब बात करते हैं इस फोन की प्राइस और इंडिया लॉन्च के बारे में। तो गाइस फीचर्स के अकॉर्डिंग इसकी जो प्राइस है, वैसे भी Xiaomi जो है वो नोट सीरीज के स्मार्टफोन को मिड रेंज सेगमेंट में ही लॉन्च करता है, तो इस फोन की जो प्राइस है वो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो 20,000 के करीबन रहने वाली है, यानी कि 20,000 21,000 22,000 के करीबन की प्राइस पर ये लॉन्च किया जाएगा। जो 11 प्रो है उसकी प्राइस 18,000 19,000 के समथिंग रहने वाली है। दोस्तों लॉन्च डेट की बात करूं तो ये स्मार्टफोन आई थिंक इस साल लॉन्च नहीं किया जाएगा। दोस्तों मुझे लगता है कि वैसे भी Xiaomi बहुत सारे स्मार्टफोन को लास्ट दिसंबर तक लॉन्च करने वाला है, 11T हो गया और भी बहुत सारे स्मार्टफोन्स हैं, तो इसका जो नंबर है वो इंडिया में अभी नहीं आने वाला है। मुझे लगता है जो ये जो स्मार्टफोन सीरीज है वो दोस्तों 2022 में ही लॉन्च की जाएगी। आई थिंक वैसे भी लीक्स आ रही थी कि ये स्मार्टफोन सीरीज जो है वो फरवरी या फिर मार्च के महीने में देखने को मिल सकती है, तो आई थिंक आपको फरवरी या फिर मार्च में ही देखने को मिल सकती है। तो यही था इस वीडियो में, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिए। गाइस मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।